हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स। सभी को राम राम जी, राधे राधे जी। आज मैं आपके सामने एक और नई जो है सॉक्स की ट्रिक पैरी बोल जी कुछ भी बूट बेबीज़ की, तो ये ट्रिक लेके आई हूँ। बहुत इजी ट्रिक है। तो आप जो है वन डे में जो है 1 से 10 पीसेस जो आप बना सकते हो, ठीक है। तो मैं जस्ट अभी आपको जो है ग्राफ भी बताने वाली हूँ, ठीक है। तो देखिए, आप जो है बचे बचे धागों से जो है इस तरह से जो है कलरफुल थ्रेड का इस्तेमाल करके इस तरह की पैरी को बना सकते हो, ठीक है। तो ये जो है ये एक फंदे से स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। और साथ में यहाँ जाली बनाई है। जाली का फ्लावर तो मैं पहले भी आपके साथ जो है ये फ्लावर जो है मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ, ये है मतलब 8, 9, 10 ईयर के, मतलब चाहे बेबी गर्ल हो चाहे बेबी बॉय हो, ठीक है। तो आप उसको जो है आपने जो यहाँ बता रही हूँ उसका ग्राफ ये है, ठीक है। तो और दूसरा, अगर आप बड़ों को बनाना चाहते हैं तो उसका ग्राफ मेरे पास ये यहाँ पर, पहले ये कम आएगा, ठीक है, उसके बाद ये बड़ा आएगा। यानी कि देखिए, ये बढ़ता गर्म होता है ना, और ये घटता गर्म, ये बढ़ता ये घटता, ये हाफ है। जोड़ने के लिए मैंने इस तरह का एरो का इस्तेमाल किया है, और इस तरह का एरो का ये वाला भाग यहाँ जुड़ेगा और ये वाला भाग यहाँ पर जुड़ेगा, और लास्ट में जो बॉर्डर है हमारे यहाँ पर कम होगा, ठीक है। यहाँ पर जो है हाफ है ना यहाँ पर, तो ये हाफ में जो मेरे यहाँ पर बॉर्डर तैयार होगा, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हो कलरफुल इस तरह के मतलब धागों को यूज़ करना, तो आप मेरी जो है ऑनलाइन क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ठीक है। इसमें मैंने जो है बड़ों का माप दिया हुआ है। बड़ों के लिए यहाँ पर मैंने जो है टोटल 25 लिए हुए, ठीक है। 25 के बाद मेरे यहाँ पर टोटल 50 हो गए। डाई सेशन का आपने ध्यान देना है, और पतले धागे का और मोटे धागे का आपने ध्यान देना है, ठीक है। और उसके बाद 50 होंगे, 50 के बाद ये लेस होगा, फिर ये भी मेरा यहाँ पर 50 ही होगा, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान देना है आपने। जो अभी वाला ग्राफ बता रही हूँ मैं आपको, इस वाला, ठीक है, इसमें मेरा 21 रहेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर 42 रहेगा, फिर मेरे यहाँ पर 42 रहेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो मैंने यहाँ पर पहले ही कर लिए थे यहाँ पर फंदे मैंने 1 से 3, 3 से यहाँ पर, फिर मेरे 5, और फिर साथ में मैंने जाली भी स्टार्ट करते जाना है, ठीक है। इस तरह से ये बढ़ता क्रम होता है, इस तरह से, ठीक है ना, ये बढ़ता हुआ क्रम इस तरह से, ठीक है। और फिर मैं आपको जाली कट पैटर्न भी बताती हूँ। सेंटर का फंदा मैंने एक निकाल दिया है, ठीक है। एक एक मैंने, याद रखिए एक, क्योंकि मैंने जो यहाँ पर बढ़ाते हुए जाना है, ठीक है। तो टोटल मेरे यहाँ पर 21 हो गया है, ठीक है। और मेरा ये जाली का पैटर्न भी कंप्लीट हो गया है। ये था मेरा बढ़ता क्रम, और ये है मेरा घटता क्रम, ठीक है। अब जिस तरह से बढ़ाए थे ना, उसी तरह से लेस करते हुए हर बारी से अंदर की ओर आना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से जाली बन गई है। जाली में जो आपने चाहो तो आप एम्ब्रॉयडरी कर सकते हो, चाहो तो आप फ्लावर बना सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से मैंने भर्ता क्रम जो है घटा दिया है। फिर दोबारा से अब मेरा यहाँ पर जो है, पहले मेरे यहाँ पर 21 आए, अब टोटल मेरे यहाँ पर 42 आएंगे, ठीक है। बहुत ईजी ट्रिक है। मैं आपके साथ एक से एक बढ़कर जो है डिजाइन आपको मैं लेके आती रहूँगी, इस तरह से, जब तक ये 42 ना हो जाए तब तक हमने बढ़ाते हुए जाना है। फिर बढ़ाए हुए एक को फिर हमने लेस करना है, फिर दोबारा से, फिर थर्ड स्टेप चलेगा हमारा, ठीक है। इस तरह से हम ये धागों को यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से ये पूरा लेस कर दिया है। फिर उसके बाद मेरा ये हाफ ग्राफ में जैसे मैंने बताया सेम वैसी है। उसके बाद यहाँ पर जो है आपने चॉइस के अनुसार ही बॉर्डर कम चौड़ा जितना बड़ा लगाना चाह सकते हो तो आप उतना मतलब लगा सकते हो, ठीक है। और मैं इसको फोल्ड कर देती हूँ। और साथ में ही मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने जो है
इस तरह का देखिए राउंड नेक में स्वेटर तैयार होती है। और ये मैंने जो अपने क्लास वर्क में जो है दे दिया है। और नेक्स्ट में जो है मैं अभी जो है ये राउंड बन के आता है पूरा का पूरा। इसमें ये बैक है और ये जो है आर्म है ये, और ये बेस है। इस तरह का भी मैंने जो है स्वेटर का पैटर्न दे दिया है मैंने लेडीज़ कोटी का, ठीक है। और जल्दी ही मैं जो है इस तरह की, यहाँ देखिए बच्चों की जो यहाँ पर ये देखिए डांगरी है, ये पूरी जो है कैप वगैरह स्वेटर पूरी एक साथ बन के आती है, आर्म वगैरह, ठीक है। ये देखिए ये आर्म वगैरह है और लेग्स है, इसमें आर्म के लिए यहाँ पर स्पेस दिया हुआ है। और मुझसे पर्सनली कहा था कि मैम थोड़ी सी वीडियो तो शेयर कीजिए आप, ठीक है। और ये बीप का भी मैंने पैटर्न शेयर किया हुआ है, ठीक है। तो आपने जो जल्दी से जल्दी मेरी क्लास को जो आपने ज्वाइन करना है, मैं बहुत सारे पैटर्न लेके आपके साथ लेते आऊँगी, साथ में दिखा लूँगी मैं आपको बाद में ये किस तरह का बन के आया हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, तो इस तरह का ये ग्राफ था, ठीक है। तो मैंने इसे इस तरह से कर लेना है और फिर स्टिचिंग होगी मेरी यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, अरे परे, ठीक है। अब जो ये मेरा बैक है, बैक की स्टिचिंग भी मेरी देखिए, इसको मैं हाफ करके बता लेती हूँ, यानी कि इस तरह से, ठीक है। इस तरह से ये भी मेरी स्टिचिंग यहाँ से यहाँ तक आएगी, यहाँ से लेकर बैक में भी यहाँ से यहाँ तक आएगी, ठीक है। तो इस तरह से ये है यहाँ पर, देखिए फिर मैं आपको सिल के दिखा दूँगी। ये देखिए मैंने स्टिचिंग की हुई है ना यहाँ तक, ठीक है। और बैक वाला मैंने यहाँ तक ला लिया है, देखिए बैक वाला मैंने यहाँ तक लाया हुआ। इस तरह से ये आपकी तैयार होगी, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मेरी जो है प्यारी जो है आप पंजाबी जूती बोल दीजिए, पैरी बोल दीजिए, तो रेडी होती है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय वीडियोस, ठीक है। तो आप भी बना लीजिए।